हाय फ्रेंड, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर कैसे चेंज कर सकते हो। आज मैं आपको इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखेगा तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया है। ओपन होने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको नीचे की साइड में अपनी प्रोफाइल देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है एडिट प्रोफाइल, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर देने के बाद भी यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है चेंज प्रोफाइल फोटो, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है न्यू प्रोफाइल फोटो, तो यहाँ पर आपको न्यू प्रोफाइल फोटो पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपके सामने जितने भी फोटो आपके एल्बम में हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में गैलरी के सामने ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तीर वाला आइकन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपके सामने जितने भी फोल्डर हैं फोटो के वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी फोल्डर पर क्लिक कर लेना है, जिस फोल्डर में आपके फोटो हैं वो यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने फोटो को चूज कर लिया है और यहाँ पर मैं इस वाले फोटो को अपनी प्रोफाइल पर लगाना चाहता हूँ। तो लगाने के लिए यहाँ पर आपके सामने ऊपर की साइड में ऑप्शन मिल जाता है एरो का, तो यहाँ पर आपको तीर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है नॉर्मल, और यहाँ पर आपको काफ़ी इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो को। यहाँ पर आपको फोटो में काफ़ी इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, जिस प्रकार से आप अपना इफेक्ट चेंज करना चाहते हो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने फिर से तीर वाले आइकन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पर ये फोटो चेंज हो चुका है। फोटो चेंज होने के बाद में मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। रिप्लेस होने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे फ़ोन में थोड़ी देर में यहाँ पर ये प्रोफाइल पिक्चर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको ये फोटो इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर फोटो चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से अपनी इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हो। अगर आपकी जानकारी अच्छी लगे और वीडियो से कुछ हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड हमारी वीडियो देखने के लिए।